पातूर तहसील क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत शिरला में 20 वर्षीय युवती की लाश मिलने पर परिसर में मचा हड़कंप। पिछले कुछ दिनों पहले शिरला ग्राम पंचायत में रहने वाली 20 वर्षीय युवती जिसका नाम कुमारी किरण अर्जुन बड़कार है की लापता होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसकी शिकायत पातूर पुलिस स्टेशन में भी करवाई गई थी। आज दिनांक 29 जुलाई 2023 को दोपहर के वक्त पातूर स्थित सुमित्रा बाई अंधारे कृषि विद्यालय के पास खेत में पांधन वाले सड़क के किनारे झाड़ियों में ग्रामीणों को एक लावारिस शव दिखाई दिया। शव झाड़ी में पड़ा हुआ देख ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पातूर पुलिस स्टेशन में दी। सूचना मिलते ही पातूर पुलिस स्टेशन के थानेदार श्री किशोर शेड़के साहब दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा पुलिस, ग्रामीण और पत्रकार दुलेखा की मदद से लाश को झाड़ियों से बाहर निकाला गया तथा लाश का पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अकोला रवाना किया गया। इसी के साथ साथ मृतक की पहचान कुमारी किरण अर्जुन बड़कार उम्र 22 वर्ष रहवासी शिरला होने की जानकारी मिली। हाथ पैर बंधी हुई अवस्था में मृतदेह मिलने के बाद श्री किशोर शेड़के ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी और इसकी जांच में जुट गए। इसी के साथ साथ फॉरेंसिक लैब के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। युवती की इस तरह से मिली लाश को देखते हुए हत्या की आशंका लगाई गई तथा इस हत्या में मृतक के परिजन अर्जुन गणपत बड़कार के जबानी बयान के आधार पर पुलिस ने शिरला रहवासी गजानन सटवाजी बड़कार उम्र 39 साल पर हत्या के जुर्म में आरोपी पर कलम 302-201 के तहत मामला दर्ज किया तथा जुबानी बयान के आधार पर आरोपी को हिरासत में भी लिया गया। इस हत्या प्रकरण में आगे की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्री संदीप घुगे, अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे, उप विभागीय पुलिस अधिकारी बालापुर विभाग श्री गोकुल राज साहब के मार्गदर्शन में पातूर पुलिस थानेदार श्री किशोर शेड़के व उनकी समस्त टीम कर रही है।